अपने राम के लिए, अपने हिंदुस्तान के लिए, अवध में राम मंदिर निर्माण के लिए। अरे बताओ हिंदुओं, अगर मोदी जी नहीं होते तो राम मंदिर बनता क्या? अरे हाथ उठाकर बताओ, बनता क्या? तो राम मंदिर बनना अच्छा है कि बुरा? अरे जोर से बोलो जरा, अच्छा है तो अच्छा बोलो, अच्छा है ना? अवध में राम मंदिर, क्योंकि तुलसी ने लिखा, वाल्मीकि ने लिखा, संतों की वाणी से बोला गया, मंचों से बोला गया। लेकिन 500 साल तक बाबर, अकबर, हुमायूं, औरंगजेब जैसे लुटेरों ने हमारे मंदिर तोड़े। हम लड़ते रहे, बलिदान होते रहे, हिंदू 5 लाख हिंदू बलिदान हो गए। हर हिंदू लड़ता रहा, अपने बेटों को बताता रहा, मैं भली मर जाऊं, अगर तू जिंदा रहे तो अपने राम का मंदिर जरूर बनाना, ये बोलता रहा। लेकिन हमारा सपना पूरा नहीं हुआ। सपना पूरा तब हुआ जब चाय बेचने वाला आया और मंदिर का शिलान्यास कर दिया, तो हमारा सपना पूरा हो गया। आज उस सपने को पूरा करिए, सच को पूरा करिए। सूर्य के समान सच है राम। अगर सूरज की रोशनी अंधेरे को दूर करती है तो राम की उपस्थिति पूरे विश्व को चकाचौंध कर देती है, पूरे विश्व की जय जयकार कर देती है। आज उस राम की मर्यादा का, संत जी की उपस्थिति में, महंत गुफा मंदिर के महंत जी की उपस्थिति में भव्य और दिव्य आयोजन होगा, क्योंकि